नशा बेचने वाले अब सुधर जाएं, जल्द होगी उनके खिलाफ कार्यवाही। कभी भी उनके घर आ सकती है पुलिस भारी फोर्स के साथ। ट्रैफिक पुलिस वालों से पंगा लेना पड़ेगा भारी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अमित लक्की धवन रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं श्री गंगानगर इलाके के एसपी आनंद शर्मा द्वारा किए गए बड़े ऐलान। नशे के खिलाफ होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। नशा बेचने वाले को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। नए साल में जिले भर में नशे के खिलाफ चलेगा नया अभियान। नशे पर कार्रवाई में साथ होगा डॉग स्क्वाड टीम। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि नए साल में बड़े टारगेट या संभावित टारगेट पर पुलिस कार्रवाई के दौरान एफएसएल टीम डॉग स्क्वाड को भी साथ रखा जाएगा, जिससे तत्काल नशे का पता लगाया जा सके और बरामदी व गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी की जा सके। इसके अलावा एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि हथियारबंद कमांडो भी रहेंगे साथ। नशे के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियानों में पुलिस कर्मी के साथ दबिश के समय हथियारबंद कमांडो भी साथ में रहेंगे, जो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे, जिससे कार्रवाई करने वाले पुलिस कर्मियों को कोई दिक्कत ना हो। पहले होंगे टारगेट चिन्हित, इसके बाद की जाएगी कार्रवाई। श्री गंगानगर नशे से ग्रस्त इलाके में इसकी आवक रोकथाम व नशा बेचने वालों के खिलाफ नए साल में नए सिरे से अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत पहले टारगेट चिन्हित किए जाएंगे और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि नए साल पर जहां जिले में नशा मुक्ति जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे, वहीं नशे की आवक व बिक्री आदि रोकने के लिए सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस की ओर से प्लान तैयार किया जा रहा है। नए साल में पिछले अनुभवों को देखते हुए नए तरीके अपनाए जाएंगे। इसमें पहले जिले में नशा बिक्री करने वाले व नशा करने वाले लोगों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद पुलिस सभी स्थानों पर भारी पुलिस फोर्स के साथ टारगेट पर धावा बोला जाएगा, जिससे नशा बेचने वाले अब बचकर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा एसपी आनंद शर्मा ने एक बहुत बड़ा दूसरा ऐलान किया है। अब ट्रैफिक कर्मियों से उलझना पड़ेगा भारी। कंधे पर लगाए जाएंगे उनके कैमरे। श्री गंगानगर वाहन जांच अभियान, यातायात व्यवस्था व अन्य ड्यूटी के दौरान अब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से उलझना व विवाद करना आम जनता के लिए भारी पड़ सकता है। पुलिस कर्मियों के कंधे पर बॉडी ऑन कैमरे लगाए जाएंगे, जो ड्यूटी के दौरान ऑन रहेंगे। अभी प्रयोग के तौर पर 5 कैमरे लगाए गए हैं। इसके बाद सभी के कंधे पर ऐसे कैमरे दिखाई देंगे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों से चालान काटने, वाहन जांच करने, वाहनों को हटवाने आदि के दौरान लोग उनके साथ उलझ जाते हैं और हाथापाई तक उतारू हो जाते हैं। ऐसे में शिकायत अधिकारियों तक पहुंचती है तो पुलिस कर्मियों पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। यातायात पुलिस कर्मी के पास इसका कोई सबूत नहीं होता है। शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई बताने तक को तैयार नहीं होता है। ऐसे में पुलिस कर्मियों पर गाज गिर रही है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के खिलाफ इस तरह की शिकायतें अक्सर आती जाती रहती हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए अब पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा की ओर से यातायात थाने में 5 बॉडी ऑन कैमरे दिए गए हैं। 5 पुलिस कर्मियों को दिए गए हैं कैमरे। यातायात प्रभारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक की ओर से दिए गए बॉडी ऑन कैमरे 5 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को दिए गए हैं, जो ड्यूटी के दौरान अपने कंधे पर कैमरा ऑन करके लगाकर रखेंगे। इसमें पुलिस कर्मी के सामने चलने वाली हर गतिविधियां रिकॉर्ड होती रहेंगी।
शिकायत होने पर इसकी रिकॉर्डिंग को देखा जाएगा। यातायात पुलिस कर्मियों को मुख्यालय से भेजे गए 5 बॉडी ऑन कैमरे दिए गए हैं जो ड्यूटी के दौरान लगाकर रखेंगे। इससे आए दिन होने वाली शिकायतों की सच्चाई का पता चल सकेगा। यह कैमरा एक बार चार्ज होने के बाद 8 घंटे तक वीडियो व ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इससे पुलिस कर्मियों को राहत मिलेगी। धीरे धीरे से सभी पुलिस कर्मियों को यह कैमरे दे दिए जाएंगे। जल्द ही मिलता हूं आपसे एक और सच्ची खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। अब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप देखते रहिए सच्ची घटनाओं पर आधारित रियल हेडलाइन न्यूज चैनल और आगामी न्यूज में हमारे साथ देखें एक और नई सच्ची घटना। हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आपका अपना अमित लक्की धवन। जय हिंद जय भारत।